नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक के लिए तेलंगाना स्टेट में बंद है कोरोना वायरस के चलते। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि सुबह 7 से 9 बजे रात तक बंद रखे, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे के लिए बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते यहां पर आप देख सकते हैं दूध की दुकान है ये हैदराबाद के पुराने शहर में, जहां पर आवाम की भीड़ जमा हुई है दूध देने के लिए। जबकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि दूध की दुकानें, तरकारी की दुकानें, जनरल स्टोर्स वगैरह खुली रहेंगी, लेकिन यहाँ पर दूध को लेकर काफ़ी भीड़ जमा है और लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। आपस में एक दूसरे पर शफकत ले जाने के लिए ढकेला जा रहा है। ये पुराने शहर में अलीजा कोटले में दूध की दुकान है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाम काफ़ी दूध खरीदने के लिए कोशिश में लगी हुई है। आइए यहाँ पर मौजूद चंद लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्यों ये दूध की दुकानें पर कतारें खड़ी हैं और क्यों ये आज रात दूध खरीदना चाहते हैं, जबकि ये हुकूमत की जानिब से ये साफ कहा गया है कि दूध की दुकानें और तरकारी की दुकानें, जनरल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, वो बंद नहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी आप ये बताइए कि दूध खरीदने आप क्यों आए हैं? ये कल बंद है तो दूध की ज़रूरत तो रोज़ की है। नहीं, हुकूमत की जानिब से ये साफ कहा गया है कि दूध की दुकानें, तरकारी की दुकानें और किराना स्टोर्स खुली रहेंगी, उसके बावजूद भी क्या सोशल मीडिया पर इस किस्म की अफवाहें आई हैं कि दूध की दुकानें बंद रहेंगी? ऐसा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद ये नहीं लग रही है कि कल के बाद फिर कुछ कंटिन्यू खुली ना हो मार्केट। क्यों क्यों ऐसा समझते हैं आप? जिस हिसाब से कोरोना वायरस का जो डर बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में और जिस हिसाब से फिगर बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बंद का जो सिलसिला है ये और बढ़ जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साफ कहा है कि दूध की दुकानें खुली रहेंगी, तरकारी की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है? लोग जो है उम्मीद कम रखते हैं और ज़रूरत की चीज़ है, घर में अगर नहीं हो तो परेशानी होंगी। तो इस तरह आवाम में ये बेचैनी है कि कल बाज़ार बंद होने के बाद में हो सकता है कि बाज़ार दोबारा ना खुले, इसलिए भी वो इस खौफ के आलम में भी दूध खरीदने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये हम क्यों आप क्यों खरीदने आए हैं दूध? घर की ज़रूरत के वास्ते। जी घर की ज़रूरत के वास्ते। नहीं नहीं, क्या आपको इतना मिली है कि कल दुकान नहीं खुलेगी? कर्फ्यू ना इस वक्त एहतियात ले लें। कर्फ्यू नहीं है, आज चीफ मिनिस्टर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें साफ कहा गया कि दूध की दुकानें, किराना स्टोर और तरकारी की दुकानें खुली रहेंगी, उसके बावजूद भी क्या खौफ है आपको? ये इतना नहीं थी हमारे को। आप तक इतना नहीं पहुँची? यहाँ पर दूध की दुकान के मालिक भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब से ये खतार लगी है, क्यों है ऐसा? ये करीब 7 बजे से है भाई, लोगों के दिमागों में एक डर बैठा हुआ है कि कल बंद है बोल के, मगर बेफिक्र रही है, कल पूरा एसेंशियल कम्युनिटीज पूरे खुले हैं, जिसमें आपको दूध, राशन, किराना हर वो चीज़ खुली है, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, मेडिकल हॉल, आपको हर जगह आपको दूध मिलने वाला है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दुकान के मालिक है जिनका कहना है कि कल दुकान खुली है, लेकिन जैसा कि अभी हमने एक से बात किया तो उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कल दुकानें खुली रहने वाली है, यानी इसका मतलब ये है कि हुकूमत का पैगाम जनरल आवाम तक नहीं पहुंच पाया है, इसी का सबब है कि दूध की दुकान पर इस तरह से कतारें देखी जा रही हैं। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि मीरालम मंडी जहाँ पर तरकारी वगैरह बिकती है और किराना स्टोर्स मौजूद हैं, वहाँ पर क्या आवाम का हुजूम है या वहाँ क्या हाल है, देखते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मीरालम मंडी में हैं। अब तक हमने आपको दूध की दुकान पर जिस तरीके से खतारे हैं वो बताई गई, अब मीरालम मंडी में भी आप जैसा कि देख रहे हैं कि काफ़ी हुजूम है और लोग तरकारी खरीद रहे हैं। आइए यहीं पर मीरालम मंडी में जो तरकारी खरीद रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं, क्यों ये तरकारी खरीद के आप लेके जा रहे हैं आज? कोरोना वायरस की तरफ से 2-3 दिन बंद है, कल का बोले नो, मगर 2-4 दिन और बंद हो जाएंगे, और तरकारी 20 रुपये की जाके 50 रुपये हो गई,
ये कहानी हो गई, अब क्या करेंगे। हुकूमत की तरफ से आज के सीएम के चंद्रशेखर राव ने साफ कहा है कि तरकारी की दुकानें, दूध की दुकानें, मेडिकल शॉप्स वगैरह खुली रहेंगी, इसके बाद में क्या खौफ है आप लोग? आ रही नहीं, बाहर ही नहीं निकलना बोला उन्हें, सुबह 7 बजे से शाम में 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से अगले दिन 6 बजे सुबह तक, 24 घंटे तक, दूसरे दिन 24 घंटे। जगने की रात है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो आज आप हजरात बन के खौफ से जो है तरकारी खरीद रहे हैं, ये पैगाम आप तक नहीं पहुंचा हुकूमत के ऐलान किए? खाली बस बंद है बोले, बस और कुछ नहीं बोले, आप लोग घर में रहिए, अपनी अपनी एहतियात कर लिए, कोरोना वायरस का मसला है, ये सब आप एक दूसरे को देख के करके घर में रहिए, घर के बाहर मत निकलिए। तो फिर ये ख्याल कैसे आया आपको कि ऐसा एक दिन नहीं बल्कि 2-3 रोज बंद रहेगा? 2-3 अब आज हुकूमत है कुछ भी कर सकती, रातें रात नोटा बंद कर दे रही, रातें रात कर्फ्यू लगा दे रही, रातें रात कभी कुछ एनआरसी, ये वो बहुत टेंशन आ रहे हैं, अभी कोरोना वायरस नया होगा। तो आज आपको तरकारी हमेशा के बनिस्बत महंगी मिली है या सस्ती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सस्ती है, बाकी के घरों का जो है ना 20 की चीज 40 में आ रही, 40 की चीज 50 में आ रही, और किराना स्टोर तो पूछो ही नको, 1100 का चावल 1500 रुपये हो गया, 500 का आटा 800 रुपये हो गया, शक्कर 30 रुपये की 60 रुपये हो गई, और कुछ। आइए तरकारी की दुकान वालों से भी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या तरकारी वगैरह का रेट बढ़ा है आज? आज बिल्कुल हमारा तो नहीं बढ़ा, थोड़ा बहुत बढ़ गया रेट आज। वजह क्या है बढ़ने की? वजह यही ग्राहक एकदम आ गया, ग्राहक सुबह से तो ग्राहक नहीं था यहाँ पे, सुबह 12-2 बजे तक तो ग्राहक नहीं था, जो बाद में जो ग्राहक टूट पड़ा है, अब बिल्कुल ग्राहक ऐसा हो गया कि पूछो मत। तो आप लोगों को पता है कि दुकानों पर तरकारी दुकान बंद नहीं रहेगी, वो खुली रहेगी, इसका इल्म है? बोला नहीं निकलना घर के बाहर, नहीं निकलना बोल के बोला। हुकूमत की तरफ से ये भी तो ऐलान किया गया है कि तरकारी की दुकानें जनरल शॉप वगैरह खुली रह सकती है? नहीं, सब बंद रहना बोल के बोले, कोई भी नहीं फिर रहा बोले, ऐसा बात नहीं है। हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि तरकारी की दुकानें, जनरल स्टोर, दवाओं की दुकानें, पेट्रोल पम्प वगैरह जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं ये खुली रह सकती हैं। इतना नहीं है और ये तो ऐसा कि जो है ना ये बंद है, पूरा बंद है, दुकान है निकाला माल लिया तो कुछ भी बोला तो ये कर दिए बस। तो अब आप को इतना मैं दे रहा हूँ, आप कल खोलेंगे दुकान? नहीं खोलेंगे। क्यों? ये बंद है बोले इसलिए नहीं खोल रहे। हुकूमत अभी जब को इजाज़त दी है आपको तरकारी की दुकान खोल सकते हैं, फिर उसके बाद में क्या खौफ है आपको? खौफ क्या, वही कोरोना वायरस जो आ रहा इस वजह से कि नहीं खोलना, एहतियात अपने तौर पर उनके हमने। तो आप देख सकते हैं कि तरकारी की दुकान जो मीराला मंडी में मौजूद है, उनके मालिक का भी कहना है कि उन्हें कोरोना वायरस का खौफ है, इसलिए वो जबकि हुकूमत इजाज़त दी है कि वो तरकारी दुकान खोल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कल दुकान बंद रखना ही पसंद करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम MGBS में हैं, एशिया का सबसे बड़ा बस डिपो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आम दिनों में मुसाफरीन की भीड़ लगी रहती है, आंध्रा और तेलंगाना के मुख्तलिफ हर एक गोशे में यहाँ से बस जाती है, इसके अलावा दीगर रियासतों में भी बसें जाती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एक तो कोरोना वायरस के चलते आवाम में एक खौफ के माहौल है, जिसके सबब हर कोई अपने अपने गांव जा चुका है दुकानें बंद होने के सबब। और कल सुबह 6 बजे से जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि खुद आवाम की जानिब से जनता कर्फ्यू के नाम से हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया है। उसके बाद में यहाँ पर भी मुसाफरीन की कमी देखी जा सकती है। यहाँ पर दुकान है MGBS में, उनसे बात करते हैं, आया कल चूँकि बंद का ऐलान किया गया है जनता कर्फ्यू के नाम से, तो कल दुकानें यहाँ पर MGBS में खुली रहेंगी या बंद रहेंगी? कल जैसा कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जनता कर्फ्यू है, तो यहाँ पर MGBS में आप लोग दुकान बंद कर रहे हैं या खुली है? हाँ, बंद तो बोले है, बंद करना पड़ता कल, हाँ आज सुबह 6 बजे से कल 9 बजे तक बंद रहेगा। नहीं, गवर्नमेंट तो 6 से 6, 24 घंटे का बंद का ऐलान किया है, तो कब से कब तक? ऑर्डर जितना गया उतना करना पड़ता है। यहाँ पर MGBS में जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि बिल्कुल पैसेंजर्स कम है, तो ये कितने दिन से यहाँ पर पैसेंजर्स की कमी देखी जा रही है? बहुत कम दिख रहा है आज तो। उसकी वजह वही वायरस के वास्ते कम दिख रहा है, कोरोना वायरस के वास्ते। तो आप देख सकते हैं, आप कहाँ, यहीं के हैदराबाद के हैं? नहीं के। तो यहाँ क्या करते हैं? तो दुकान चलाते हैं। दुकान चला। क्यों कम है ये कोरोना वायरस के लिए? कोरोना वायरस के लिए पब्लिक पूरा कम है।
जैसा कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ की दुकान वालों का भी कहना है कि कोरोना वायरस के चलते मुसाफरीन में कमी देखी जा रही है। यही सबब है कि एशिया का सबसे बड़ा बस डिपो माने जाने वाला MGBS महात्मा गांधी बस स्टेशन जो है वो सुनसान है और यहाँ पर भी कल दुकानें बंद रहेंगी।